द सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 टू 60 इज डिविजिबल बाय, मतलब अगर हम 1 से लेके 60 नंबर्स तक लिखें और सभी का ऐड कर दें, सभी का समेशन कर दें, तो वो जो नंबर आएगा समेशन, वो इन चारों ऑप्शंस में से किससे डिविजिबल है। क्लियर? कैसे करेंगे? फर्स्ट 60 नंबर्स 1, 2, 3, 4 up to 60 सभी का क्या कर दो? समेशन कर दो। 60 टर्म्स भी वही होगा और लास्ट डिजिट 60 भी वही होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है। क्या होगा समेशन? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। एन की वैल्यू कितने टर्म्स है? 60। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। ठीक, फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी इज एन बाय 2। समेशन निकालना पड़ेगा पहले, तो 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले समेशन निकालेंगे तो अभी तो पता लगेगा कि वो जो नंबर है, वो जो समेशन है, वो किससे डिविजिबल है। एन कितना है? 60 बाय 2। एन कितना आ गया? 60 बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है? 1। एन मतलब कितना? 60 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 1। क्लियर? कितना हो जाएगा? 30 इंटू 2 प्लस 39। क्लियर? बात क्लियर? 30 इंटू कितना हो जाएगा ये? 30 इंटू 70, 30 इंटू 41। क्लियर? बात क्लियर? द सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 टू 60 इज डिविजिबल बाय। क्लियर बात यहां तक? n बाय 2 नंबर ऑफ टर्म्स कितना रख? 60 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी नंबर ऑफ टर्म्स 60, और ये कितना हो जाएगा? ये होगा 60 माइनस 1 59। कितना हो जाएगा? 60 माइनस 1 कितना होगा? 59। कितना हो जाएगा? 61। 30 इंटू 61 क्या है? समेशन है। किस चीज का? अगर 1 से 60 तक हम लोग गिनती लिख दें और सभी को ऐड कर दें तो क्या होगा? हमारा समेशन क्या होगा? 61 इंटू 3 1830 1830। लेकिन हम क्यों करेंगे? वहां तक ले जाएंगे क्या? नहीं, हम लोग यहीं से देख लेंगे ना। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? क्या 30 होता है क्या डिविजिबल? नहीं, रिमाइंडर बचता है। 61 भी नहीं होता है। क्या 59 से दिख रहा है क्या हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा, प्राइम नंबर 1। क्या 60 से दिख रहा है? क्या क्या 60 से डिविजिबल होगा? 60 कभी बन पाएगा क्या? बन पाता अगर यहाँ पे इवन नंबर होता, वो अपना 2 निकाल के इसे दे देता, तो 60 से हो सकता था तब। लेकिन अभी क्या होगा? ये 61 से होगा। ठीक, 60 से कब हो सकता था? जब यहाँ पे कोई इवन नंबर हो। इवन नंबर कब आता है? जब उसमें 2 छुपा हुआ हो, 2 इंटू समथिंग लिख दें। अगर 2 इसमें मल्टीप्लाई ना करते, वो इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो 60 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 60। तब जाके डिविजिबल हो सकता था। इस केस में डिविजिबल नहीं हो पाएगा वो। क्लियर है? ठीक, दूसरा तरीका क्या है? इतना करने की जरूरत नहीं है, ए एन, ठीक, कुछ नहीं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी, सम ऑफ एन टर्म्स, अगर जैसे हम लोगों के पास 1, 2, 3 अप टू कहां तक? एन टर्म्स तक दिया हुआ है ना, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। क्लियर? कितने टर्म्स थे देखें इस क्वेश्चन के लिए? 60 टर्म्स थे। 1 से 60 तक 60 टर्म्स, अगर ये कंटिन्यूसली है तो। 1, 2, 3 अगर ये कंटिन्यूसली है ना, तभी होगा ऐसा। ये कंटिन्यूसली है तभी ऐसा होगा। क्लियर? n की वैल्यू 60 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 30 इंटू 61। क्या इतना सब कुछ किया? n n प्लस 1 बाई 2 रखा, डायरेक्ट आंसर आ गया 30 इंटू 61। इतना कुछ नहीं किया हमने। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap होता है Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कॉमन डिफरेंस 1 हो जाए, वहां से भी क्या कर लें, अगर कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा ना हम लोगों का, तो क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस 1 होगा, तो कॉमन डिफरेंस अगर 1 हो गया, जैसे हमने यह लिखा है, तो आंसर क्या आएगा? यही तो आंसर आएगा ना हम लोगों का। क्या आएगा? यही तो आंसर आएगा हम लोगों का। क्लियर? ठीक है, बात क्लियर है यहां तक?
तो क्या आ गया आंसर 30 into 61, 61 से डिविजिबल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 25 to the power 12, 10 to the power 7, 14 to the power 7। ठीक, तो क्या हम इन पावर्स को ऐड कर देंगे तो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे हम लोगों के पास? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो 25 है, 10 है, 14 है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर, हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइम नंबर्स में। क्या प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, हम लोगों के पास जो पावर आएगी ना, उसे ऐड करने के बाद हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे। क्लियर? क्या है, 25 to the power 12 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 7, मल्टीप्लाई बाय 14 to the power 7। ठीक, क्लियर यहां तक? ठीक, क्या इसे हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या इसे हम 5 into 2 लिख सकते हैं, 2 the power 7? इसे 2 into 7, 2 the power 7 क्या आएगा फाइनली, 5 to the power 24। क्या 5 एक प्राइम नंबर है? हाँ है। यहां से 5 to the power 7 into 2 to the power 7, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल है। यहां से कितना आएगा, 2 to the power 7 into 7 to the power 7। तो क्या होगा, यहां से 5 की पावर 24 प्लस 5 की पावर 7 कितना आएगा, 5 की पावर 31। 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7, 2 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 7। ठीक, यहां से क्या होगा हम लोगों के पास, 31 प्लस 14 प्लस 7 कितना आ जाएगा, ये 52। 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 31 52, तो 51 आंसर आया। ठीक, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स है ना उनकी संख्या बताइए, नंबर बताइए कि कितने आएंगे। दूसरा क्वेश्चन प्राइम फैक्टर्स पे यह बनता है कि कितने टाइप के आएंगे, जैसे अगर वो एक बोल देता ना कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर प्रेजेंट, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर देयर, तो कितने प्राइम फैक्टर, एक 5 प्राइम फैक्टर आया, एक 2 आया, एक 7 आया, तो तब आंसर होता है हमारा 3, तब आंसर क्या होता है हमारा 1 2 3। ये ऑप्शन से देख के भी हम समझ सकते हैं, इतना बड़ा ऑप्शन दिया है ना हमें, तो क्या इतने बड़े 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, क्या 52 तक जाएगा क्या ये? बिल्कुल नहीं जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये समझना है कि जो प्राइम फैक्टर्स की पावर है उनके बारे में बात हो रही है। नंबर बोल दिया ना यहां पे, क्या बोल दिया, फाइंड द नंबर ऑफ, संख्या पूछी कि कितने फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, प्राइम है, जो कि प्राइम फैक्टर्स हैं। 5 की पावर 31, 2 की पावर 14, 7 की पावर 7, 52 नंबर्स हैं, टोटल 52 नंबर्स हैं जो कि क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं इस नंबर के। अगर हमसे क्वेश्चन ये बोलता ना कि कितने टाइप के प्राइम नंबर है, मतलब जैसे क्या 2 है 3 है 5 है 7, ये क्या होंगे, ये प्राइम नंबर्स होंगे ना, ये क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। अगर वो बोल देता कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन दिस नंबर, तब हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास 2, 5 और 7 हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते, यहां पे हम हमारे पास 2 की पावर 14, 5 की पावर 31, 7 की पावर 7 आता, तो टोटल 2, 5 और 7 सिर्फ 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, इनके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है। यहां पे नंबर से मतलब है संख्या, मतलब वो कितने नंबर में हैं, कितने नंबर्स हैं उस चीज के, 2 की कितने नंबर है, 14, 5 के कितने नंबर है, 31, 7 के कितने नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, उसके कितने नंबर है, कितने बार मल्टीप्लीकेशन है, 7 बार, तो सभी को ऐड करेंगे तो 52 होगा। लेकिन कितने प्राइम नंबर है, ये हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस देख के समझ आना है। ठीक, अगर छोटे आंसर्स दिए ना 2, 4, 7, तो वो बात कर रहे हैं नीचे वाले की, बेस की। अगर हमारे पास ऑप्शन ज्यादा हुआ है ना, तो यहां पे वो बात कर रहा है फिर पावर की, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें। ठीक, दोनों अलग अलग चीजें, यहां पे उसने नंबर बोल दिया है कि कितने बार हैं, वो जो प्राइम फैक्टर्स है ना वो कितनी बार है, तो 5 कितनी बार है, 31 बार, 2 कितनी बार है, 14 बार, 7 कितनी बार है, 7 बार, सभी को ऐड करो तो टोटल कितने होंगे, 52 बार होंगे, प्राइम फैक्टर्स ही होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करेंगे, ये 31 प्लस 1 कर देंगे, 14 प्लस 1 कर देंगे, 7 प्लस 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, लेकिन यहां पे क्या ऐड करेंगे, यहां पे ऐड करना है हम लोगों को,
ठीक, तो प्राइम फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, जो पावर रहेगी प्राइम फैक्टर्स की उसे ऐड करना है, ठीक, नहीं तो क्या नीचे वाले, या तो नीचे वाले जो बेस है वो, या फिर पावर। कैसे समझना है, ऑप्शन से देख के कि ऑप्शन क्या दिया है हमें, ठीक। वो नंबर पूछना चाह रहा है कि कौन कौन से नंबर, कितने टाइप के नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, बेस देखेंगे। अगर वो नंबर पूछ ले कि कितनी संख्या में है, कितने नंबर में है, तब जाके हम देखेंगे पावर में, ठीक। यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑप्शंस देख के समझ जाओ, क्लियर। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोला जाता इस केस में तो क्या हो जाता, 31 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1, क्लियर, यह आंसर हो जाता। क्लियर है बात यहां तक। A tank of oil by 4/5 full when 6 bottles of oil was taken out and 4 bottles of oil was poured into it, it was 3/4 full. How many bottles of oil can contain in the tank? एक टैंक दिया हुआ है और हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि वो 4/5 फुल है, मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है ना, उसका 4/5 क्या है, फुल है। इसका मतलब क्या है, 1/5 खाली होगा, बिल्कुल 4/5 क्या है, फुल है। उसमें से हमने क्या की, 6 बॉटल्स निकाल ली, 6 बॉटल्स निकाल ली, मतलब बॉटल डुबोई और ऐसे 6 बार हमने क्या किया, उसमें से पानी ऑयल निकाल लिया, ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, निकालने के बाद हमने क्या किया, 4 बॉटल क्या की वापस उसमें डाल दी, 4 बॉटल क्या की वापस उसमें डाल दी, ठीक। उसके बाद हमने ये देखा कि उसमें जो पानी बचा है ना, उसमें जो पानी बचा है वो कितना भरा हुआ है, 3/4 फुल। पहले इतना था फिर इतना हो गया, 4/5 मतलब 0.80, 3/4 मतलब 0.75, मतलब कम हुआ ना, क्या मतलब कम हो गया, यहां पे कितना कम हो गया, 0.05 किसके बराबर है, दो बोतल के, 0.05 दो बोतल के बराबर है, तो 0.10 चार बोतल के बराबर होगी। अगर 0.10 चार बोतल के बराबर है तो 0.1 किसके बराबर होगा, यानी 1.0 किसके बराबर होगा, 40 बोतल के बराबर, क्लियर। ये हमने डायरेक्ट किया, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं डायरेक्ट कैसे करना है, क्लियर। देखो एक टैंक दिया हुआ है, ठीक, ये टैंक एक, क्या है ये, एक टैंक दिया हुआ, इसके अंदर भरा हुआ है ऑयल, दिस टैंक इज फुल ऑफ ऑयल, क्लियर। कितना भरा है इसमें ऑयल, 4/5, अगर इसके अगर हम 5 भाग कर दें ना, अगर हम इसके कितने भाग कर दें, 5 भाग कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 भाग कर दिए, तो ये कहां तक भरा है, 4/5 तक, कहां तक भरा है, 4/5, मतलब एक हिस्सा, 5 में से एक हिस्सा खाली है, ये जो 4/5 है ये भरा हुआ है, इसमें क्या है, ऑयल है, ठीक। इस कंटेनर में 4/5 तक का है ऑयल है, ठीक। When 6 bottle of oil was taken out, इसमें से हमने क्या की, 6 बोतल निकाल ली, क्या किया, 6 बोतल निकाल लिया, ठीक। अब क्या, पहले तो हमें मानना पड़ेगा इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कैपेसिटी कितनी है, लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक बी, कितनी हो गई, टैंक की कैपेसिटी हमने मान ली x, लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक बी x, मतलब जो x लीटर ऑयल है अगर पूरा भर देना इस टैंक को, तो इसके अंदर कितना लीटर ऑयल आ सकता है, x लीटर ऑयल इसके अंदर आ सकता है। अभी ये भरा हुआ है 4/5 भरा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो अभी ऑयल है ना वो कितना है, 4/5 ऑफ x। अगर पूरा x है तो 5 में से 5 भाग x के हैं, अगर 4 भाग देखें तो 4x/5 हो जाएगा, इतना उसके अंदर भरा हुआ है। अब हमने क्या किया कि उसके अंदर से 6 बोतल निकाल ली, when 6 बोतल ऑफ ऑयल वॉज टेकन आउट, 6 बोतल हमने क्या की निकाल ली, इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जितना उसके पास था ना, इसके पास कितना था,
इतना ऑयल है, 4/5 ऑफ एक्स इतना लीटर ऑयल है। हमने क्या किया, इसके पास इतना था पहले, कितना था 4x/5, हमने क्या किया 6 बॉटल्स निकाल ली, 6 बॉटल क्या की हमने निकाल ली उसमें से। उसके बाद क्या बोला, 4 बॉटल हमने उसमें डाल दी, पहले 6 बॉटल निकाली फिर 4 बॉटल वापस डाल दी उसमें से, ठीक, इसमें ऐड कर दी मतलब 4 बॉटल। तो क्या बोल रहा है कि तब जाके इट वॉज 3/4 फुल, इतना सब करने के बाद हमने देखा कि वो कितना भरा हुआ है, 3/4, 3/4 उसकी कैपेसिटी का, 3/4 उसकी कैपेसिटी का, मतलब वो पूरा x भर सकता था, लेकिन हमने अगर वो 4x/5 भरा हुआ है उसमें से 6 बॉटल निकाल ली हमने ऑयल की, उसके बाद हमने 2 बॉटल क्या की ऐड कर दी उसमें ऑयल की, फिर क्या किया 3/4 बचा उसमें, कितना बचा 3/4 बचा, क्लियर। तो हमसे बोला गया है कि अगर हम इस पूरे टैंक को ले लें तो क्या इस टैंक में हम कितनी बॉटल क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कितने बॉटल का ऑयल डाल सकते हैं, ठीक। क्या होगा यहां से, यहां से ये यह हो जाएगा 4x/5 माइनस 3x/4, 3x/4 को यहां ले गए, ये उधर जाएगा 6 भी तो पॉजिटिव, ये 2 भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, कितना हो जाएगा ये x डिवाइडेड बाय 20, एलसीएम लिया 20, 4 4 16, 3 5 15, 16 माइनस 15 1, x मतलब कितना हो जाएगा ये 2b। तो ये जो x था ना ये कितना हो गया 40b, मतलब 40 बॉटल क्या हो सकती है उसके अंदर समा सकती है, मतलब 40 बॉटल ऑयल अगर हम, अगर ये खाली है ना टैंक और इसके अंदर 40 बॉटल हम डालने की कोशिश करें तो सिर्फ 40 ही आएगी, ठीक, 40 से ऊपर बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है सिर्फ 40 बॉटल की, 40 बॉटल की, क्लियर है। यहां पे, यहां पे हम लीटर में डील नहीं कर रहे हैं, यहां हम बॉटल्स में डील कर रहे हैं। उसने हमसे ये नहीं पूछा कितने लीटर आ जाएगा, उसने बॉटल्स पूछी कितनी बॉटल आ जाएंगी उस टैंक के अंदर, तो हमने बोला 40 बॉटल्स वी कैन पोर इनसाइड द टैंक, क्लियर। ये तो था हमारा एक्चुअल में तरीका, दूसरा तरीका देखते हैं। देखो अ टैंक ऑफ ऑयल वाज 4/5 फुल, ठीक, मतलब 5 में से 4 भाग उसका क्या है पूरा भरा हुआ है। 4/5 मतलब क्या होता है कि 0.8 या फिर 80% इस टैंक का भरा हुआ है, 4/5 मतलब 0.8 इतना भरा हुआ है, ठीक। टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी थी x, ये भरा कितना है 0.8, ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, उसमें से 6 बॉटल निकाल ली और 4 बॉटल क्या की उसमें डाल दी, ठीक। तो ये जो 2 बॉटल का डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो कमी आ रही है, जैसे यहां पे 0.8 फुल था, यहां पे 0.75 फुल है, मतलब पहले ज्यादा फुल था वो, पहले अगर वो यहां पे था 0.85 तो वो 0.75 यहां पे आ गया, ठीक, पूरा यहां पे था, ठीक। उसके बाद अगर 4/5 फुल है मतलब 0.8 फुल है, वो 0.8 फुल है, मान लेते हैं 0.1 2 3 4 5 इससे, तो ये 0.8 यहां आएगा, ठीक, 0.8 यहां पे मान लेते हैं 0.75, तो ये जो डिफरेंस आया ना, पहले 0.8 था फुल, 0.8 फुल था, फिर 0.34 मतलब 0.74 फुल है, 75, तो ये जो 0.05 का अंतर आया ना उसकी कैपेसिटी का, 0.05 का जो अंतर आया ना वो क्यों आया, और अंतर भी आया तो ये कमी क्यों आई है, क्योंकि हमने क्या किया है 2 बॉटल निकाल ली है, इसने तो बोला 6 बॉटल, लेकिन भाई हमने 4 बॉटल डाल भी तो दी वापस, तो हमने एक्चुअल में कितनी बॉटल निकाल ली उसके अंदर से, एक्चुअल में तो हमने 2 बॉटल निकाली ना, इतना भरा हुआ था 0.8, ठीक, इसमें से हमने क्या किया 6 बॉटल निकाल ली बाहर, ठीक, 6 बार, फिर हमने क्या किया 6 बॉटल तो निकाल ली अलग रख ली, फिर हमने उन्हीं में से 4 बॉटल क्या किया, हमने 4 बॉटल को वापस डाल दी इस टैंक के अंदर, इस टैंक के अंदर वापस डाल दी, तो एक्चुअल में हमने कितनी बॉटल निकाली अंदर से, 2 बॉटल ही तो निकाली है, 6 निकाली 4 डाल दी, तो बची कितनी, 2 ही तो बची, जो कि क्या है टैंक के बाहर है, जो कि क्या है टैंक के बाहर है, कितनी बॉटल बची 2, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.05 का, 0.05 मतलब
0.05%, मतलब जो 5% का डिफरेंस आ रहा है, ये 0.8, 0.75, अगर परसेंट में देखें कि अगर ये पूरा 100% भरा हुआ था तो यहां पे इसकी कैपेसिटी कितनी, 100%, तो यहां पे जब 80% भरा हुआ था 0.8 मतलब, यहां पे 0.75 मतलब 75% 75% भरा हुआ था, तो ये जो 5% का जो गैप आया ना, जो 5% का डिफरेंस आया, ये किसकी वजह से आया, दो बोतल की वजह से। मतलब अगर हम दो बोतल निकाल लें, मतलब दो बोतल की वैल्यू कितनी है, 5%, दो बोतल की वैल्यू कितनी है, 5%, किसका 5%, ये जो टैंक दिया है इसकी कैपेसिटी का 5% निकाल लिया हमने, 5% निकाल लिया, यही तो हुआ। 0.8 और 0.75 में कितने का गैप है, 5 का, 0.05 का, 0.05 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 5%, 5% की कमी आई किसकी बोतल की वजह से, दो बोतल की वजह से, 5% की दो बोतल की वजह से, तो 10% की कमी किसकी वजह से आएगी, चार बोतल की वजह से, 10% की कमी कितने की वजह से आएगी, चार बोतल, अगर हम चार बोतल निकाल लेते ना तो ये 10% की कमी आ जाती, ये हो जाता 0.7। ऐसे अगर 100% की कमी या फिर 100% हो, 100% भरा हुआ हो ऑयल और 100% पूरा निकाल लें, 100% भरा हो और 100% पूरा ही निकाल लें, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक। तो अगर 5% की कमी किसकी वजह से आ रही है, दो बोतल की वजह से, तो 10% की कमी चार बोतल की वजह से, तो 100% की कमी किसकी वजह से आएगी, 40 बोतल की वजह से, क्लियर है बात। नहीं तो बेस्ट तरीका है ये, यहां से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर ले आओ, ठीक। कितना आंसर आएगा, 40, कितना आएगा, 40 इज द आंसर। देखते हैं दूसरा तरीका जो हमने इसके पहले देखा था, क्या कि एक टैंक है हम लोगों के पास, वो 4/5 फुल है, ठीक। अगर 6 बॉटल हम लोग उसमें से बाहर निकालेंगे और दोबारा जाके 4 बॉटल वापस से उसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे उस टैंक में, तो हमारा जो टैंक है वो 3/4 फुल होगा। हमने एक जो बेसिक तरीका होता है सॉल्व करने का वो हमने देख लिया था, अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग बिना कॉपी पेन उठाए कैसे कर सकते हैं, ठीक। समझाने के लिए मुझे तो करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग कैसे कर सकते हैं, सिर्फ सोच के। देखो, अ टैंक ऑफ ऑयल बाय 4/5 फुल, 4/5, अगर हम इसके 5 हिस्से कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब वो यहां तक भरा हुआ है, 4/5 मतलब 80%, ये टोटल कितना होगा, 100% होगा ना, 100%, इसका मतलब ये कि 80% फुल है। 80% क्या है, फुल। अगर हम इसमें से 6 बॉटल निकाल लेंगे और 4 बॉटल डाल देंगे, तो एक्चुअल में हमने क्या किया है, टोटल 2 बॉटल ही तो निकाली है इसमें से, 2 बोतलें ही तो निकाली हमने, ठीक। तब जाके ये कितना हो जाएगा, 3/4 मतलब 75%, कितना हो जाएगा, 75%, क्या इतना हो जाएगा, 3/4 मतलब 0.75, 3/4 मतलब 0.75 मतलब 75%, ठीक। 4/5 मतलब कितना, 0.8, 0.8 मतलब 80%, क्लियर है बात, कितना, 80%, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना इतना, ये 80% था, ये 75%, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 5% का, ये जो डिफरेंस आ रहा है 5% का, किसके बराबर है, दो बोतलों के बराबर ही तो है, दो बोतल एक्स्ट्रा निकाल ली, 6 बोतल निकाली, दो बोतल हमने वापस डाल दी, क्या किया हमने, 6 बोतल बाहर निकाल ली इस टैंक के अंदर से, 6 बोतल बाहर निकाल ली, ठीक, उसमें 4 बोतल वापस डाल दी, तो कुल मिला के हमने 2 बोतलें ही तो निकाली है, 2 बोतलें मतलब कितना, 2 बोतल, 5% मतलब 2 बोतल है, तो हम लोगों के से पूछा गया है कि अगर पूरे टैंक को भरना है तो कितनी बोतलें लगेंगी, कितना हो जाएगा ये, 100% करना है हमें, 100% के लिए क्या, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 40 बोतल्स 40 भी, 100% मतलब पूरा टैंक जब फुल अप हो जाएगा, पूरा टैंक क्या होगा, फिल हो जाएगा, मतलब 40 बॉटल्स, वी रिक्वायर 40 बॉटल्स टू कंप्लीटली फिल दिस टैंक, क्लियर। 0.1 एंड 5/8 ऑफ अ बैम्बू आर इन मड एंड वाटर,
मतलब एक बांस का टुकड़ा है या फिर पूरा का पूरा बांस है हम लोगों के पास, उसका जो पॉइंट वन वाला पार्ट है, पॉइंट वन मतलब 1/10, मतलब जो 1/10 पार्ट है बैम्बू का वो है मड के अंदर, और जो 5/8 पार्ट है वाटर मड बैम्बू का वो है वाटर के अंदर, ठीक। एंड द रेस्ट ऑफ द लेंथ, जो बची हुई लेंथ है मड में से और वाटर में से दोनों को ऐड कर ले, उनके अलावा जो लेंथ बचेगी ना बैम्बू की वो कितनी बचेगी, 2.75 मीटर, ठीक। इस अबव वाटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बैम्बू, इस अबव वाटर का कुछ मतलब नहीं है, इतने ध्यान दो बस कि 1/10 जो पार्ट है बैम्बू का है वो है मड के अंदर, 5/8 पार्ट है वाटर के अंदर, और जो बची हुई लेंथ है वो है 2.75 मीटर। तो हमसे बोला गया है कि हमें बताइए कि जो लेंथ है, जो बैम्बू की लेंथ है वो कितनी है, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये बैम्बू है, क्लियर क्लियर, ये है मड, क्या है ये मड है, मिट्टी है ये, ठीक, क्या है ये मिट्टी है, क्लियर। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे पानी है, उसके नीचे पानी है, ठीक, क्या है पानी, ये चीज क्या है, ये है मड मिट्टी, ये तो दिख ही रहा है बैम्बू है, ठीक। अब क्या बोला हमसे कि जो 0.1 पार्ट है, 1/10, अगर हम मान लें, क्या मान लें कि टोटल लेंथ जो बैम्बू की है, लेट द लेंथ ऑफ बैम्बू, ठीक है, जो बांस की लंबाई है वो कितनी है, कितनी मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कितनी, एक्स मीटर, एक्स मीटर, क्लियर। जो बांस की लंबाई है, जो लेंथ है बांस की वो कितनी है, वो है एक्स मीटर, ठीक। मड में कितना वाला पार्ट है, 0.1, 0.1 मतलब 1/10, 0.1 मतलब 1/10, ये जो मड में है ना ये है 1/10 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ बंबू, एंड ये जो वाटर के अंदर है ये कितना है, 5/8, 5/8 पार्ट ऑफ द बैम्बू, ठीक। जो मड के अंदर है वो कितना पार्ट है, 1/10 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द बैम्बू, जो टोटल लेंथ है ना उसका कितना पार्ट है, 1/10 पार्ट, ठीक, 1/10 पार्ट है किसके अंदर, मड के अंदर, और जो वाटर के अंदर है वो कितना है, 5/8 पार्ट, 5/8 पार्ट। अब हमसे बोला गया है कि लेंथ निकाल के बताइए कि बैम्बू की लेंथ कितनी है, गिवन क्या है, जो बची हुई लेंथ है ना, अब ये बैम्बू तो यहां तक भी है, ये तो यहां तक भी है, तो ये जो लेंथ लिखी है ना हमने एक्स मीटर, ये यहां इसके जो टिप है ना, इसके टिप से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो हमने लिखी है, वो हमने लिखी है क्या, एक्स, क्या है वो, एक्स है, ठीक, ये टोटल लेंथ है उसकी, ठीक। यहां से लेके, यहां से लेके यहां तक इसकी जो बैम्बू की लेंथ है वो है एक्स, मड में कितना पार्ट है इसका, 1/10 पार्ट ऑफ एक्स, एंड वाटर में कितना है, 5/8 पार्ट ऑफ एक्स, क्लियर है बात। और हमसे बोला गया कि ये जो बची हुई लेंथ है ना, जो कि ना मड में है ना ही वाटर में है, ये लंबाई कितनी है, 2.75 मीटर, 2.75 मीटर, क्लियर है। हमसे बोला गया लेंथ ऑफ बेम्बू बताइए, कैसे करेंगे, देखो टोटल लेंथ थी एक्स, टोटल लेंथ थी एक्स, उसमें से हम लोग ये वाला जो पोर्शन माइनस कर दें तो एक्स की टर्म्स में हमारी इक्वेशन आएगी, जो लेंथ आएगी वो एक्स की टर्म्स में आएगी, क्योंकि टोटल लेंथ में से जो कि क्या है, एक्स की टर्म में है टोटल लेंथ, माइनस ये दोनों टर्म्स, जितना पार्ट बैम्बू का मड के अंदर है जितना पार्ट बैम्बू का वाटर के अंदर है, तो ये भी तो एक्स में आएगी ना, एक्स बाय टेन, 5x/10, तो जो इक्वेशन आएगी हमारी वो किस में आएगी, एक्स में, तो
तो एक्स क्या है हमारा, एक्स फाइंड आउट कर लेंगे तो एक्स ही तो हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द बैम्बू। कैसे निकालेंगे, ये जो टोटल एक्स है ना इसमें से माइनस क्या कर दें हम लोग, माइनस वो वाली लेंथ जो कि पानी के अंदर है, कौन सी लेंथ है वो 5x/8 में से, और क्या माइनस कर दें, जितनी लेंथ मड के अंदर है 1/10 ऑफ एक्स। यही लेंथ क्या है, अगर पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर दी, पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर दी, तो बचा कितना 2.75 मीटर ही तो बचा, 2.75 मीटर ही तो बचा, बचा नहीं बचा बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना है यहां से 80, ये कितना हो जाएगा 80x, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस था, ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 50x, एलसीएम लिया ना, फिर माइनस ये प्लस था ये माइनस था, माइनस हो जाएगा कितना 8x इज इक्वल टू 2.75 मीटर। क्लियर, क्या यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, ये कितना होगा 50 प्लस एक्स कितना होगा 58, 80 माइनस 58 22x, 22x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इनटू 80। क्लियर, क्या यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसे क्या लिख देंगे 22x इज इक्वल टू 27.5 इंटू 8, ये जीरो का मल्टीप्लाई किया 2.75 में तो 27.5 बना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर दो 2x, इसे 11 से डिवाइड करें कितना होगा 11 2 22, बचा कितना 5 55, तो 25 हो जाएगा। पर यहां पे 10 भी है क्योंकि यहां पे जो, इसे क्या लिख सकते हैं, ये हटा के 10 लगा दो इंटू 8 भी है। क्लियर, ये मीटर में है, ये 2 कितना 4 टाइम्स, ये 100 डिवाइडेड बाय 10, ये सब मीटर में चल रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ द बैम्बू इज 10 मीटर, जो बैम्बू की लेंथ आएगी, जो बांस की लंबाई आएगी टोटल, वो कितनी आएगी x मीटर। क्लियर, क्या क्वेश्चन था, हमारे बैम्बू का कुछ पार्ट मड में है कुछ पार्ट वाटर में है, मड में कौन सा वाला पार्ट है 1/10 पार्ट, 0.1 मतलब 1/10, 5/8 मतलब H2O, यानी वाटर में कौन सा पार्ट है, वाटर में कौन सा पार्ट है हम लोगों का 5/8 पार्ट, और जो बची हुई लेंथ है ना वो गिवन है 2.75 मीटर। हमसे बोला गया है कि टोटल लेंथ ऑफ बैम्बू बताइए, ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है, द रेस्ट ऑफ द लेंथ इज 2.75 मीटर इज अबव वाटर, कोई मतलब नहीं इस चीज का, ठीक, हमें सिर्फ देखना है कि जो बची हुई लेंथ है वो 2.75 मीटर है। क्लियर है बात, यहां से हमने टोटल लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर दी, कौन सी, जिसमें इंक्लूड हो रहा था मड और वाटर, ये कितने हैं वाटर, ये है मड, टोटल में से वाटर प्लस मड माइनस किया तो इतनी लेंथ जो कि क्या है ऊपर की साइड हमें दिख रही है जिसकी लेंथ है 2.75 मीटर, यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो कितनी आ गई 10 मीटर, तो द लेंथ ऑफ द बैम्बू इज 10 मीटर। क्लियर, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मैनी रुपीज एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक, एक पिकनिक के लिए क्या कुछ लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग जाते हैं पिकनिक पे, क्लियर, कहाँ जाते हैं पिकनिक पार्टी पे, ठीक, उसमें से जो हर मेंबर ने क्या किया, जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पिकनिक पे गए हैं उसके दुगने रुपीस क्या किए हैं कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, क्या किए हैं कॉन्ट्रीब्यूट, और जो टोटल कलेक्शन होता है कॉन्ट्रीब्यूट करने के बाद वो होता है 3042 रुपीस। हमें बताना है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन पार्टी वॉस, क्लियर, हमें बताना है कि कितने मेंबर पार्टी में अवेलेबल थे। क्लियर, कैसे करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ
मेंबर्स इज इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे एक्स, ठीक, या फिर एन मान लेते हैं हम लोग, नंबर में आ जाएगा, क्लियर, एन मान लेते हैं हम लोग, क्लियर, एन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एन हो गए, ठीक। ईच मेंबर ऑफ पिकनिक पार्टी कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्वाइस एस मैनी रुपीज एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, हर एक मेंबर ने क्या किया, टोटल कितने मेंबर्स होंगे, टोटल कितने मेंबर्स होंगे, टोटल एन मेंबर्स होंगे, ठीक, क्या होंगे, ये एक मेंबर होगा, ये एक मेंबर होगा, ये एक मेंबर, कितने मेंबर होंगे टोटल एन मेंबर्स, तो ये एक मेंबर होगा एन मेंबर्स, हर एक ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ईच मेंबर, हर एक मेंबर ने पिकनिक पार्टी के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है, ट्वाइस एस मैनी रुपीज एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एन मान लिए, तो इस बंदे ने हर एक ने कितना किया है कॉन्ट्रीब्यूट, टू इंटू एन, इसने कितना किया है टू इंटू एन, इसने भी कितना किया है टू इंटू एन, जो nth मेंबर है उसने भी कितना किया है टू इंटू एन, टू एन, इसने भी टू एन कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इसने भी टू एन कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ये जो nth मेंबर है ना इसने भी कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू एन, ये n nth मेंबर है इसने भी कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू एन, क्लियर, ये पहले नंबर वाला मेंबर, ये नंबर टू वाला, ये नंबर थ्री, ऐसे कहां तक, एन तक, ठीक, एन मेंबर्स थे तो उसने कितना कंट्रीब्यूट किया, ट्वाइस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, इसने भी ट्वाइस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो कितना हो गया, ये टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, हर एक ने टू एन किया है, कितनों ने किया, टोटल एन है, हर एक ने टू एन किया और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एन है, कितने रुपीस आए, 3042 रुपीस, क्लियर, क्या हो गया यहां से, एन स्क्वायर कितना हो गया, 1521, एन की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 1521, ठीक। तो यहां पे क्या बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द पार्टी वॉस, पार्टी में टोटल कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, ये वही तो एन है, तो क्या 1521 का अंडर रूट, या फिर इनमें से चारों में से किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर एक ऑड नंबर होता है, ये इवन नंबर है, इसका स्क्वायर इवन नंबर होगा, ये भी इवन नंबर, इसका नंबर स्क्वायर भी इवन नंबर, 32 का स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि 32 इवन नंबर है, सिर्फ 39 एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड है, उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड, क्लियर, देख लेते हैं क्या 39 आंसर है, 39 ये कितना हो जाएगा, 9 9 81 8 9 27 27, ये 35 हो जाएगा, ये 35 होगा, 27 प्लस 8 भी है ना यहाँ पे, 35 ऐड किया 1 7 5 12 3 4 5 1 5 2 1, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 39, तो देयर आर 39 मेंबर्स इन अ पार्टी, द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द पार्टी वॉज 39, क्लियर है बात,